कल फिर एक बहुत बड़ा, परसों हमारे हरियाणा में पेपर है, सैटरडे और संडे, तो बहुत बड़े लेवल का ग्रुप डी का एग्जाम होने जा रहा है। बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स इसमें शरीक होंगे और मेरा ये मैसेज है सभी स्टूडेंट्स को कि अपनी तरफ से जितनी तैयारी आपने साल साल, क्योंकि कई साल हो गए इन चीज़ों को देखते हुए, सालों से आप कर रहे हैं, उसका रिजल्ट लेने का टाइम है। खूब मेहनत आपने की हुई है, अपने पे विश्वास रखिए, गलत किसी भी चीज़ में मत फंस जाना। बहुत सारी र्यूमर्स सुनने में आ रही हैं कि पेपर लीक हो गया है, पेपर लीक हो गया है। देखिए, जब तक पेपर नहीं होता, जो कोई भी कुछ भी कहता रहे, कहने दीजिए, आप अपना फोकस सारा पढ़ने पर और सारा फोकस पेपर अच्छे ढंग से अटेम्प्ट कैसे करना है इस पर दीजिएगा। जहाँ कहीं कुछ भी गलत होता आपको नजर आए, आप कहीं ना कहीं जहाँ पेपर देंगे रूम में, ऐसा नहीं होता कि सब चोर हैं, ये तो कोई इक्के दुक्के चोर और घटिया लोग होते हैं जो दूसरे की मेहनत को, दूसरे की सालों साल की मेहनत को खा जाना चाहते हैं। जहां कहीं किसी सेंटर पर ऐसा कोई भी केस मिले तो आप सब लोग इकट्ठे होकर उसके खिलाफ आवाज उठाएं। और मैं जानती हूं कि चोरों के पैर नहीं होते, जो गड़बड़ करते हैं ना वो बहुत जल्दी डर जाते हैं। अगर आपके कमरे में कोई भी इस तरह की हरकत करता नजर आए, जैसे आपको फील हो कि पेपर लीक हो रहा है या पेपर जो है बाहर दिया जा रहा है या बाहर से फोन और इन सब पे मैसेजेस आ रहे हैं, तुरंत से एकजुट होकर उसके खिलाफ आवाज उठाइएगा। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आपके पास बेशक अंदर फोन ना हो, लेकिन अगर आप हिम्मत दिखाएंगे तो ये पेपर लीक नहीं होगा। अगर पेपर लीक हो गया तो फिर ये रद्द हो जाएगा, फिर आपको साल भर, पता नहीं साल डेढ़ साल कितनी मेहनत फिर करनी पड़ेगी। तो इसमें एकजुट होकर अपनी मेहनत जिन लोगों ने की है, मैं जानती हूं बहुत बड़ा तबका है जो पढ़ रहा है, जिसकी जरूरत है, जिसने बहुत मेहनत की है, अब ये कुछ घटिया लोग जो कि पेपर लीक कराने के चक्कर में अपना एक्टिव रहेंगे, उनके खिलाफ आवाज बुलंद करनी है। और जहां गलत हो वहां सबको खड़े होके इसका विरोध करना है। चुपचाप सुन के सोच के कि क्या फर्क पड़ता है यार, मैं क्यों बोलूं, नहीं बैठना, क्योंकि एक आदमी की गलती इस पूरे पेपर के ऊपर पानी फेर देगी, आपकी सालों साल की मेहनत रखी रह जाएगी। तो अगर कहीं गलत होता दिखे तुरंत आवाज बुलंद करें, अपने किसी भी कमरे में जहां आप पेपर दे रहे हैं, पेपर शुरू होने से पहले इस बात को कह दें आपस में कि यार कुछ भी गलत अगर कमरे में हुआ ना तो सब इकट्ठे उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। गलत करने वाला एक मिलेगा, कमरे में आपके साथ आवाज उठाने वाले 30-40 लोग कम से कम मिलेंगे। 30-40 लोगों की आवाज को एक आवाज कभी दबा नहीं सकती, इसीलिए अपनी जिन्होंने मेहनत की है उस मेहनत का फल अब खाने का टाइम आएगा, उस मेहनत का फल